मनिंदर रविबख्श प्रपंचन तीनों रेडर कमाल की फॉर्म में है। सामना है सुनील परवेश की जोड़ी से। मनिंदर ने पहली ही रेड में पॉइंट लिया और पिछली पांच मैचों में कमाल खेल रहे हैं। यहां पर डू ऑर डाई रेड और डू ऑर डाई रेड में इस वक्त आ चुके हैं एक ऐसे खिलाड़ी जिनसे उम्मीद तो बड़ी है लेकिन यहां पर बाहर हुए सचिन। डू ऑर डाई रेड कैप्टन मनिंदर सिंह ने खुद जिम्मा उठाया है। नजर रखिए सुनील परवेश की जोड़ी पे जो एकदम सेंटर में चेन बना के खड़ी है। कॉर्नर्स आए और कमाल कर दिया अंकित और सुमित ने धावा बोला। बंगाल एक पॉइंट से लीड में है और अब ये काम किया रिंकू ने। प्रपंचन रेड में है तीन पॉइंट इनके भी नाम है। बिल्कुल बराबरी का मुकाबला। चार टैकल पॉइंट सात रेड पॉइंट गुजरात के हैं और बंगाल के पांच टैकल पॉइंट हैं नौ रेड पॉइंट हैं यानी ना। और यहां पर बहुत लंबा इंतजार किया है बंगाल वॉरियर्स ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए और ये इंतजार जाया नहीं होने देंगे। बंगाल वॉरियर्स के स्टार मनिंदर देखे सुनील के सामने उनका रिकॉर्ड इस मैच में खासतौर पे इस मैच में तीनों बार मनिंदर ने आउट किया है सुनील को। सुनील राइट कॉर्नर पर है प्रवेश लेफ्ट में है जोड़ी टूटी है चौथी बार आउट। मनिंदर ने शिकार चुन के किया। डू ओ डाई रेड है गुजरात को अभी भी डू ओ डाई रेड में पॉइंट मिला नहीं है। सोनू चार पॉइंट सुपर रेड पहले ले चुके हैं लेकिन बंगाल के डिफेंस ने संयम अब तोड़ा। सोनू आउट। अभी अभी इनको चेतावनी मिली है रोहित गुलिया को छोटी रेड करके वापस जाएंगे क्योंकि इनको पता है बंगाल की डुओ डाई रेड आने वाली है और सुकेश आज दो डुओ डाई रेड में तीन पॉइंट लाए हैं। सुकेश एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पे सेकंड हाफ में उन्हें बुलाया गया है और यहां पर बेहद करीब सुनील को टारगेट कर रहे हैं सुकेश हेगड़े। दूसरी तरफ सुमित उनका इंतजार कर रहे हैं बिना पॉइंट लिए वापस आना नहीं हो सकता और सुकेश हेगड़े पहली बार नाकामयाब। वन पॉइंट गुजरात फॉर्चून्स। और यहां डू ऑर डाई रेड बंगाल वॉरियर्स के डिफेंस को चलना होगा। चले हैं सचिन रिंकू आउट। वन पॉइंट गुजरात फॉर्चून्स। निर्णायक रेड है ये इस मैच की। मनिंदर ने अगर यहां पर दो पॉइंट लिए एक सुपर रेड की तो ही बंगाल वॉरियर्स कमाल कर सकती है और यही किया है मनिंदर ने। मनिंदर को पता है कि ये रेड इस गेम की शक्ल बदल देगी। सुनील परवेश सही टाइम पर उन्होंने सही शख्स को भेजा है। रोहित गुलिया का कॉन्फिडेंस इस मैच में सचिन से बेहतर है और मुझे लगता है मंत्रा बंगाल के डिफेंस को अटैक नहीं करना चाहिए। हारते हारते अगर टाई मिल रहा है तो उसे संतोष करें। ऐसा ना हो कि जीतने के चक्कर में जीत फिसल जाए। अपने घर में जीतना वैसे ही दिल्ली और बुल्स के अलावा किसी को नहीं आया। बिल्कुल सही लगता है दोनों ही टीमों ने टाई को अपनी किस्मत बना ली है और यहां पर वही हो रहा है। और वेल प्लेड बंगाल वॉरियर्स का कमाल का कमबैक किया।